आना से डिजिटल रुपए तक कैसे पहुंची भारतीय मुद्रा, जाने हर उतार चढ़ा। ये डिजिटल करेंसी का दौर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने भी अपनी डिजिटल करेंसी जारी कर दी है? आखिर सोने और चांदी के सिक्कों से होते हुए नोट और फिर डिजिटल करेंसी तक भारतीय मुद्रा कैसे पहुंची? नोटों पर गांधी जी का फोटो कैसे आया और भारत की नकली करेंसी जारी करने वाला देश कौन सा था? आइए जानते हैं। इतिहास और विकास में आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय मुद्रा आना से डिजिटल करेंसी तक कैसे पहुंची। इसके अलावा उस बारे में भी बताएंगे जब देश के हर राज्य में अलग अलग मुद्रा होती थी, और जानेंगे कि इनमें एक रूपता कैसे आई। क्या आप जानते हैं कि भारत में डिजिटल करेंसी को लेकर पहला कदम कब बढ़ाया गया? दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान 2022-23 में देश की डिजिटल करेंसी जारी करने का ऐलान किया। इसका मतलब ये है कि भारतीय करेंसी अब डिजिटल अवतार लेगी। बता दें कि भारतीय मुद्रा ने आना से अपने सफर की शुरुआत की। भले ही आना आज की तारीख में प्रचलन में नहीं है, लेकिन आना और कौड़ी को लेकर बने मुहावरे आज भी खूब चल रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जब एक ही देश होने के बावजूद भारत में अलग अलग मुद्रा चलती थी, दरअसल वो अंग्रेजों के आने से पहले का दौर था। उस वक्त मुद्रा सिर्फ सिक्के के रूप में होती थी, लेकिन उसमें भी समानता नहीं थी। जैसे हैदराबाद के निजाम के सिक्के अलग थे और सिखों के अलग। मुगलों ने भारतीय मुद्रा में एक रूपता स्थापित की। 1940 से 1945 तक दिल्ली पर राज करने वाले शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के को रुपए का नाम दिया। वहीं भारत में पहली बार कागजी मुद्रा की शुरुआत 1841 में हुई। उस वक्त भारत के वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले वित्त सदस्य सर जेम्स विलियम्स ने इसकी शुरुआत की। भारत में आना की शुरुआत 15 अगस्त 1950 को हुई। ये भारतीय गणतंत्र का पहला सिक्का था जिसमें राजा की तस्वीर की जगह अशोक स्तंभ की आकृति उकेरी गई। मौद्रिक प्रणाली में 16 आना का 1 रुपए होता था। सितंबर 1955 में भारतीय सिक्का ढलाई अधिनियम में संशोधन किया गया। ये अधिनियम 1 अप्रैल 1957 में लागू किया गया, जिसके तहत 16 आना की जगह 1 रुपए को 100 पैसे में बांट दिया गया। 1968 में 20 पैसे का सिक्का जारी किया गया। 1988 में 10, 25 और 50 पैसे के सिक्के जारी हुए, तो 1990 के दशक में 1, 2 और 5 रुपए के नोटों को इसी मूल्य वर्ग में सिक्कों में बदल दिया गया। 1840 के आसपास जापान ने नकली भारतीय नोट बनाने शुरू कर दिए। ऐसे में कागज के नोट में कई अहम बदलाव किए गए। जब नोटों से राजा की तस्वीर हटाने की बात हुई, तो उसकी जगह लेने के लिए सबसे पहला नाम महात्मा गांधी ही का था, लेकिन अंतिम समय में सारनाथ के सिंह की आकृति पर भी आम राय बनी। 1969 में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी समारोह के सम्मान में स्मारक डिजाइन श्रृंखला शुरू की गई, जिसकी पृष्ठभूमि में सेवाग्राम आश्रम में बैठे गांधी जी का चित्र था। और अब देश डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल इसका खाका पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस तरह की दूसरी रोचक जानकारियों के लिए हमें फॉलो करते रहें।